कमेंट बॉक्स में वेलकम बैक पांड्या लिखना ना भूलें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पांड्या ने 22 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके लगाए। आपको बता दें, इन 5 छक्कों की कीमत अब यह है कि कॉफी विद द करण में जो विवाद हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। और BCCI ने एक बहुत बड़ा रिस्क जो लिया था कि सुनवाई से पहले पांड्या को टीम में भेज दिया, आज वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ और पांड्या ने दिखा दिया आखिर क्यों हर एक खिलाड़ी चाह रहा था कि वो टीम में वापसी करें, क्योंकि उनके जैसा ऑलराउंडर खिलाड़ी शायद ही भारत के पास इस समय है। और उन्होंने आज ऑलराउंडर प्रदर्शन भी करके दिखा दिया कि वर्ल्ड कप में उनके बिना टीम इंडिया नहीं उतर सकती मैदान पे। आपको बता दें कि पांड्या ने आज अंतिम छड़ों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जम के धुनाई की और टीम का स्कोर 253 तक पहुँचा दिया। तो वहीं जब वो गेंदबाजी करने आए तो उसमें भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंदबाजी की और विकेट भी झटके। तो कहा जा सकता है कि अब विराट कोहली से लेके हर सीनियर खिलाड़ी जो चाहते थे वो पांड्या ने करके दिखा दिया है। और अब उम्मीद ये की जाएगी कि कॉफी विद द करण का विवाद थम जाएगा, क्योंकि पांड्या पहले ही सॉरी कह चुके हैं। और कहा जा सकता है कि टीम इंडिया के लिए आज खुशी का दिन है कि पांड्या का फॉर्म में वापस आना, और अब वो डिप्रेशन से भी बाहर हैं। तो कहा जा सकता है कि धोनी की मेहनत काम लाई, क्योंकि मैदान पे धोनी को उनके साथ देखा गया। तो कहा जा सकता है वेल डन पांड्या।